अभी ना बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो जो पड़ोसी का खेत होता है और उसकी जो बाउंड्री बनी होती है, जिसे हम खेत की डोल कहते हैं, कई जगह उसे डोल कहते हैं, डोड़ा कहते हैं और मेल कहते हैं कई जगह उसे, तो जो भी अपने अपने क्षेत्र में भाषा बोली होती है उसी हिसाब से, तो हम समझेंगे कि जो बाउंड्री होती है, जो पार्टीशन करती है एक खेत से दूसरे खेत का, तो उसे या तो जो कस्सी होती है उससे, या फिर जो उसका चाहे ट्रैक्टर का हल हो या पशु से जोतने वाला हल हो, तो उसे काटता रहता है या तोड़ता रहता है और उसे अपनी साइड में बढ़ा लेता है। ऐसी बहुत से लोगों की आदत होती है और उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि जो पड़ोसी खेत का मालिक है उसे परेशान करना। तो ऐसे मामले में क्या करें? क्या उस पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़ा करें, मार पिटाई करें, तो क्या करें उसके साथ? तो ये समस्या कई बार होती है और बहुत से साथी पूछते भी है कि ऐसे मामलों में क्या करा जाए। अब पहले तो एक बात साफ कर दूं कि इस वीडियो को बनाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम ये कहें कि हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करें या पड़ोसियों के साथ बुरी नीयत अपनी रखें। सिर्फ ये वीडियो बनाने का या ये बात शेयर करने का मतलब यह है कि आपको अपनी जो कानूनी जानकारी है उसका ज्ञान आपको होना चाहिए, कानून का ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसे यदि कोई पड़ोसी है जो परेशान करता है, खेत की जो बाउंड्री है उसको तोड़ देता है बार बार, तो ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए? तो लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है ऐसे व्यक्ति के साथ। बस करना यह है कि जब वह कभी ऐसा काम करे, आपकी जो बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश करे, तो आजकल सभी के पास अपना फोन होता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लें और रिकॉर्डिंग करने के बाद अब अगला काम कानूनी शुरू होता है। रिकॉर्डिंग आप ऐसे व्यक्ति की कर लें खेत की डोली तोड़ते हुए की, और उसके बाद आप जो आपके इलाके का SDM होता है उसके वहां पे आप सीधे ही शिकायत कर सकते हैं। आपकी शिकायत पर संज्ञान लेकर BSDM, या यदि पुलिस के द्वारा आपको शिकायत दी गई है तो पुलिस अधिकारी की ऐसी शिकायत पर जो SDM होता है वो कार्रवाई करता है सबूत पुख्ता होने के बाद, और जिसके खिलाफ आपने शिकायत दी है या जिसने आपकी बाउंड्री के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है खेत की, ये उसको वह नोटिस देता है, उससे जमानत का वह बॉन्ड भरवाता है और उससे लिखित में प्राप्त करता है कि वह अपने पड़ोसी के खेत के जो बाउंड्री वाल है या जो डोरी है, मेड है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करे और उसको बाउंड कर देता है। और यदि वह ऐसी अपनी बॉन्ड भरने के बाद, जमानत लेने के बाद यदि वह फिर से ऐसा काम करता है तो उसकी जेल भी हो सकती है। तो ये तो कानून है, और जो CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, दंड संहिता है, उसकी धारा 145 के अंतर्गत ये सारी कार्रवाई आप SDM के कोर्ट से करवा सकते हैं। तो ऐसी कोई समस्या आपके साथ हो तो ये काम आप जरूर करें, इससे आपका जो पड़ोसी है उसे भी एक अच्छी नसीहत मिलेगी और कानूनी बाधा भी ऐसे व्यक्ति को कानूनी जो संकट है या जो कानूनी की सजा है उसकी उसे सामना करना पड़ेगा, और वो फिर भविष्य में आपके साथ ऐसी बात नहीं करेगा। तो ये जानकारी थी। यदि ऐसी कोई समस्या आपके साथ हो तो जरूर आप ये काम करें। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो जरूर इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद आप सभी।